शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारे सामने पोल्ट्री फार्म का करीब करीब आइडेंटिकल मॉडल खड़ा किया गया है। ये ओरिजिनल पोल्ट्री से मिलता जुलता है। पोल्ट्री के हर हिस्से से मैं वाकिफ कराऊंगी तुम्हें। और लेकिन ये कैसे पॉसिबल है नेहा जी? ये टोका पनौती ने। जैसे उन्हें पता चलेगा कि हम चोर है वो देखो तो... डरने का नहीं अर्जुन, तुम लोगों को वहाँ अंडे ही नहीं बल्कि मुर्गी भी चुरानी है। तुम वहाँ शरीफों की तरह पेश आओगे। चोरी का वक्त सिर्फ तुम लोगों को ही मालूम होगा कि कितने बजे चुराना है। बाकी लोग तो सो जाएंगे और तुम अच्छी तरीके से अंडे चुरा लेना। फिर आप ही खुद ही अंडे और मुर्गी क्यों नहीं चुरा लेती? अरे फिर से टोका मॉडल ले। अरे नेहा जी उसके मुंह पर लगाम लगा दो। नेहा जी आपने हमें क्यों चुना ये चोरी करने के लिए? वायस क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो दूसरों के पास बिल्कुल नहीं है। भोलापन विश्वास, योर परफेक्ट एलिबाई। चोरी के बाद किसी वजह से बाय चांस अगर कोई भी तुम पर शक करे, तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कि तुम पूरी तरीके से निर्दोष हो। और फिर कौन यकीन करेगा? तीन शरीफ लोगों ने दिन दहाड़े पोल्ट्री जाके चोरी की। मेरा यकीन मानो, तुम्हारा भोलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नाउ पोल्ट्री के नक्शे ज्योग्राफी के साथ, यानी मुर्गियां, पिंजरे, अंडे, कहाँ पे कौन सी मुर्गी बंद है, हर चीज को चुरा कर मुझे दोगे। अपनी अपनी चोरी की लिस्ट बना लो। समझ गए ना? अरे अरे आटे की बोरी किसने गिराई मुझ पर? अरे बाबा मेरे टांग साले आग के अंदर ठीक से तक। मैंने सुना है यहाँ पर ब्लैक टू फिल्म के ऑडिशन चल रहे हैं, तुम्हें पता है? जी मेरे को तो एक्टिंग आती है, तुझे आती है? मैंने सुना है कि इस फिल्म का डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है और मस्त डायरेक्टर है बाबा। क्या तीन डायरेक्टर एक में संजय लीला भंसाली? क्या अबे पागल हो गया क्या? अरे शान तू भंसाली को नहीं जानता हो? नया है क्या? भंसाली ये कौन है भाई? क्या बोला? वो बहुत सारे हिट फिल्में बना के घूम रहा है। ये उदास, ये बाजीराव मस्तानी, खामोशी द म्यूजिकल, मृतक वाले गुजारिश। ये क्या बात है, एक आदमी के तीन नाम ये कैसे हो सकते हैं? ये तू भी अंधा है? तो एक्टिंग का हलवा करेगा? छोड़ रहे यार। अरे अरे सुन सुन सुन, दरअसल बात यह है कि कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? एक्चुअली मैं भी यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ। तो कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, माने तू भी पूरा स्ट्रगलर और मैं भी पूरा स्ट्रगलर। क्या बात है यार। अच्छा अजय इधर बैठ। किधर? फर्स्ट क्लास बैठ गया भाई। सॉरी मुझे। तो भी स्ट्रगलर है क्या? समझ गया, माने तो ऑडिशन लेने वाली है। बोल जी, मैंने ही वो अखबार में एड किया। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन। जी मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और ये हैं अर्जुन वर्मा और मैं इलियास। खाली इतने से काम चला लो बस। और आप? मेरा ही नाम नेहा श्रीवास्तव है। नहीं नहीं, मैं अमित जी की बात कर रहा हूँ। अमित जी ब्लैक टू में आप ही टीचर बन रहे हैं। हे माली, इस तरह क्यों घूर रहे हो? काम करो अपना। जाने मन जाने मन, ये माली है। इसका जिस्म से गार्डन की मिट्टी का खुशबू आता है। ए तो माली है ना? हाँ हमारा जैसा है। ए तुम खुदा बख्श को तो जानता ही होगा। खुदा बख्श? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। ए माली माली माली, बेटी को सिखाएगा नहीं क्या? सिखाऊंगा। हाँ तुम हमारे जैसा ही है। तुम्हें देखा ऐसा लगा हमारा अब्बू खुदा बख्शा गया, वो आज इधर होता तो अपनी बेटी को गार्डनिंग सिखाता। उसके पहले ही दिन उसे फूल देता। तुम भी मौली हो बेटी। That's very nice.
हमी कौन था ये? एक बहुत ही गरीब माली। अरे राजा तुम? हेलो शेखर। हेलो। इनसे मिलो, मेरी मंगेतर मेहंदी। नमस्ते। बात दरअसल ये है कि इनके अब्बू खो गए हैं। हमारा अब्बू का नाम बादशाह खान है। बादशाह खान? बादशाह खान तो मिल चुके हैं। मिल गया हमारा अब्बू? मिल गया? हाय लाली दी जान, ये तो बहुत खुशी की बात है। राजा राजा तुम्हारे दोस्त को बोलो अगर हमारे अब्बू का कोई सामान है तो दिखा दे। हमने हमारा अब्बू को एक गुड़िया दिया था। प्लीज प्लीज। हवलदार इनको ले जाओ और इनके अब्बू का सामान दिखा दो। थैंक यू। चलो 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 चलो। राजा जानते हो राजा, बादशाह खान वो आदमी है जो डेली तुम्हारा खाना खा जाता था। जिस आदमी को पीट देना चाहिए था उसे रोज पकवान पहुंचाया जाता था, और वो भी तुम्हारे घर से। जिस आदमी पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो मेरा ससुर है। ससुर।